नॉर्थ बॉम्बे सार्वजनिक पूजा एंड वैसे भी दुर्गा पूजा के पंडाल जो होते हैं वो इट्स लाइक किसी चीज़ की अर्थिंग होती है ना, किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट की जैसे अर्थिंग होती है, दुर्गा पूजा में विजिट करना मेरे लिए वैसा ही एक एक्सपीरियंस है। एंड यहाँ ये मेरे घर जैसा लगता है, मैं हमेशा आता हूँ यहाँ पे एंड बहुत अच्छा लगता है। अगर नहीं आऊँ तो बहुत इनकम्प्लीट सा फीलिंग होता है, सो वेरी हैप्पी टू बी हियर। जी आप बहुत ही हम देखते हैं, नोटिस किया बहुत ही स्पिरिचुअल है आप, मतलब अपनी फिल्मों को भी प्रमोट करने के लिए आप पंजाब तक चले जाते हैं एंड आप हर मौके पर आप स्पिरिचुअलिटी कितना इंपॉर्टेंट रखती है एक डायरेक्टर की लाइफ में? आई थिंक किसी भी हिंदुस्तानी के लिए स्पिरिचुअलिटी एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, बिकॉज हम लोगों का बैकग्राउंड बहुत स्पिरिचुअल है। एंड आई थिंक आजकल ज़माने में जितने मूवमेंट्स हो रहे हैं, जितने चेंजेस हो रहे हैं ना, उसको डील करने के लिए स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़रूरी है। एंड वो हमको कंसिस्टेंस देती है, हमारे काम को भी इम्प्रूव करती है, हमारे आपस के रिलेशंस को बहुत इम्प्रूव करती है। हाँ, मैं ज़रूर राधा कृष्ण बना रहा हूँ, बनाऊँगा। कैसे बनाऊँगा, बिकॉज वो बहुत एक बड़ा विशाल प्रोजेक्ट है, तो उसको बनाना कैसे है और उसमें क्या लगेगा ये सब अभी देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई ऐसी फिल्म है जो फटाक से करके मैं चला जाऊँगा, अभी प्लान कर रहा हूँ। नहीं नहीं सर, कुछ नहीं, अभी बहुत दूर है सर। ओके, थैंक यू। आया नाना, आया आयकर की बलोन यार। हाँ हाँ, अंदर अंदर। कितना इम्पोर्टेंट है दुर्गा पूजा में हर दिन प्रेजेंट होना? आप हमेशा हर साल आते हैं नॉर्थ बॉम्बे सार्वजनिक दुर्गा पूजा में, आप खुद भी यू आल्सो हैव योर ओन। पहले 15 मतलब इस पूजा से बहुत पुराना मेरा जुड़ाव है, कुछ 40 किलो पुराना जुड़ाव है, जब आयान छोटा सा था। और मतलब क्या है यहाँ पे, अभी तो कम होता है, कुछ काम होती शूटिंग होती है, पहले यहाँ पे पूरा हफ्ता 10 दिन यहीं पर होता था सुबह, जब ये सांता क्रूज़ में हुआ करता था कोद्दार में। नाइस, लॉट ऑफ फॉन्ड मेमोरीज यार। हम लोग यहाँ पे नाटक करते थे, नवमी के लिए रिहर्सल्स होता था, परफॉर्मेंसेस होती थी। सो आई केम फ्रॉम आउटसाइड, सो दिस फैमिली दिस पूजा हैव रियली यू नो वेलकम मी। उस समय कुछ नहीं था और रानी वगैरह भी, तब रानी मुखर्जी नहीं बनी थी, हम लोग सब यहाँ पे थिएटर करते थे, प्ले करते थे, ड्रामा करते थे। तो मेरा बहुत पुराना जुड़ाव है, मुझे अनुराग कह के नहीं बुलाते, वो सब मुझे मेरे निक नेम से बुलाते हैं। सो आई एम नॉट अनुराग वासु इन दिस पूजा। सर, जैसा कि आपने भी बताया, हम बहुत लंबे टाइम से हम आपको देख रहे हैं, पूरी फैमिली जो है ये पूरी फैमिली बहुत ही स्पिरिचुअल है। हम देखते हैं गणपति के मौके पर आप प्रेजेंट हो जाते हैं, आप ही स्पिरिचुअल हो, हर पूजा में आप रहते हो। जी। मैं ऐसे चांस कि कब मुझे भी मौका मिले, यू नो सरस्वती पूजा में आप बहुत बड़ा ये करते हैं, ये डायरेक्टर की लाइफ में स्पिरिचुअलिटी होना कितना इम्पोर्टेंट है? स्पिरिचुअलिटी के देखो क्या है, फेथ होना जरूरी है। फेथ किसी भी फॉर्म में कैसे भी आ सकता है, हर एक इंसान में फेथ जरूरी होता है। फेथ आपके पिता पे हो सकता है, भगवान पे, एक फेथ जो है ना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, विच कीप्स यू ग्राउंडेड, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फॉर बंगालीज मोर देन फेथ एंड स्पिरिचुअलिटी, पूजा इज सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ एक्चुअली, दैट्स व्हाट वी कम हियर फॉर, यू सी दिस हैप्पीनेस, दिस वाइब्रेंट एनर्जी। एंड हम लोग वही बता शर्वानी से कह रहे थे, हम लोग साल में एक ही बार मिलते हैं और ऐसे मिलते हैं जैसे मतलब मिलते ही रहे हैं पूरे साल भर, इन सबसे मुलाकात हो नहीं पाती पूरे साल भर। आने वाले दिनों में कुछ अगर आप अपने प्रोजेक्ट शेयर कर सके, लाइक आप जब भी फिल्में लाते हैं बहुत ही इंडस्ट्री में धमाका करती है, धमाका तो पता है, अच्छा मैसेज लाती है। अभी है 21 फरवरी को एक फिल्म आएगी, नेक्स्ट फिल्म, और भूषण कुमार अभी उसे अनुराग बासु नेक्स्ट कह रहे हैं, और मतलब उसको अभी भी नाम हमने दिया नहीं है, नामकरण हो जाएगा, ट्रेलर जल्दी 1 महीने में लॉन्च हो जाएगा। कंप्लीट किया है ये दुर्गा पूजा, धन्यवाद। हम अभी सभी से बात कर रहे थे कि सभी की ढेरों सारी मेमोरी है जी। दादा ने कहा कि हम सब बचपन से ये करते आए हैं, रानी जी बहुत छोटी थी, कैसे देखते हैं आप क्योंकि ये पूजा ने 72 ईयर कंप्लीट किया है? एक्चुअली ये माँ का ही आशीर्वाद है, बिना इनके आशीर्वाद के हम एक भी पूजा कम्प्लीट नहीं कर पाते थे, लेकिन ये माँ का भी प्यार है हमारे फैमिली के लिए जो आज तक हम दुर्गा पूजा करते आए हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है एक पूजा एक मतलब साथ में करने के लिए, और जब तक ऊपर से आशीर्वाद नहीं होता तब तक वो सफल नहीं होता, और
ये हमारे फैमिली के ऊपर एक बहुत बड़ा एक देन है कि हम माता का पूजा कर सकते हैं हर साल। तो मैं बस ये कहूँगी कि हम लोग एज अ फैमिली वी आर ब्लेस्ड, मतलब माता का ब्लेसिंग है। और हर साल जिस तरह से हम लोगों को भोग भी खिलाते हैं, आई थिंक ये माता के बिना ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो मैं यही कहूँगी कि सबका प्यार, जितने लोग आते हैं, बॉम्बे से आते हैं, बॉम्बे के बाहर से आते हैं, इंडिया के बाहर से आते हैं दुर्गा पूजा के वक्त हमारे इस पंडाल में हमें ब्लेसिंग करने, मतलब माता का ब्लेसिंग लेने, तो आई थिंक ये एक सपरिवार, जब हम सब अंडर वन रूफ आते हैं तो एक बहुत अच्छा माहौल होता है, फैमिली से मिलते हैं हम, खुशी होती है कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन हम ये पूजा करते आए हैं। जैसे मेरे मम्मी डैडी बहुत एक्टिवली पूजा में मतलब शामिल होते थे, पूजा किस तरह से होगा वो सब चीज़ों में ध्यान देते थे। अभी नेक्स्ट जनरेशन हम लोग जो आ गए, अभी मेरे बाद जो मेरी बेटी है और मेरे भाई के जो बेटे बेटी है, वो लोग अभी मतलब कंट्रीब्यूट करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। तो बस माता से यही हमारी दुआ रहती है हर साल कि ये साल अच्छे से निकल गए, अभी अगली साल मतलब अगले साल के लिए आशीर्वाद दे दीजिए ताकि अगले साल भी अच्छे से गए। यू नो रानी जी, आपकी मैं बात करूँ, आपकी पूरी फैमिली, आपकी मॉम भी यहाँ पर है, पूरी फैमिली आपकी बहुत ही स्पिरिचुअल है जी। एंड जैसा कि आपने भी बताया ये 70, एक एक्टर की लाइफ में स्पिरिचुअल होना कितना इम्पोर्टेंट है, एंड हम तो आपको देखते ही हर साल आप यहाँ प्रेजेंट होती हैं। आई थिंक ये एक्टर या कोई प्रोफेशन की बात नहीं है, कोई भी प्रोफेशन में कोई भी आदमी स्पिरिचुअल होता है। मैं तो मतलब पैदा होते ही तो एक्टर नहीं बनी थी, तो ये तो एक्टर होना मेरे मतलब बड़े होने के बाद का है, लेकिन मैं बचपन से ये पूजा अटेंड करते आई हूँ और अच्छा लगता है। देवी का जब रूप हम देखते हैं दुर्गा पूजा के टाइम पे, तो एक अंदरूनी एक जो ताकत है वो हम महसूस करते हैं, हर महिला ये मतलब महसूस करती है। नवरात्रि के अवसर पर, दुर्गा पूजा के अवसर पर, एक जो हम बोलते ना कि वुमेन, जो हम औरत को पूजते हैं, ये हमारे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी चीज़ है। और हम जो औरत को इज्जत देते हैं, जो पूजते हैं, आई थिंक ये दुर्गा से ही शुरुआत होती है। भोग भी, भोग के लिए कितनी एक्साइटेड होती हैं आप? बहुत, अभी मुझे आप छोड़ेंगे तो मैं जाके भोग खाऊंगी। बहुत लंबे टाइम के बाद मिली, इसलिए आपकी फिल्म भी आ रही है मर्दानी 2 जी, तो आप बताइए 13 दिसंबर को आपको कितना, हमने पोस्टर देख लिया है, आपको कितना इंतजार है बेसब्री से? मुझे तो इस बात की खुशी है कि मर्दानी 2 का जो पहला जो एक क्या बोलते हैं फर्स्ट लुक जो है ये नवरात्रि के वक्त, दुर्गा पूजा के वक्त मतलब रिलीज हुआ। और मुझसे ज़्यादा और कोई मतलब इतनी ज़्यादा खुशी नहीं हो सकता, क्योंकि दुर्गा पूजा के वक्त हम माँ शक्ति को पूजते हैं और मर्दानी 2 में भी माँ शक्ति का ही एक रूप है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मर्दानी 2 का जो पहला जो कम्युनिकेशन है वो दुर्गा पूजा के टाइम हुआ है। थैंक यू। बस बस बस, क्या जी, माँ है ना मेरी, मेरी माँ, यू नो, थैंक यू माँ दुर्गा, माँ सब जितनी मतलब महिलाएं। रानी जी, बस हो गया, मोनिका बोल रही है, रहने दे। नहीं, आप बहुत दिनों के बाद मिली ना। नहीं, अभी मैं रोज मिलूंगी आपसे, आज ये साड़ी के साथ, कल दूसरे साड़ी के साथ, हम मिलते रहेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू। अरे नहीं चल, तो तुम भागो। हाय शुभमना, हाय, हेलो, हैप्पी दुर्गा पूजा, हैप्पी दुर्गा पूजा, हैप्पी दुर्गा। सो यस, सो यू नो, जब हर साल दुर्गा पूजा के मौके पर हम आपको यहाँ देखते हैं, कितनी एक्साइटेड होती हैं आप? एंड एक एक्टर की लाइफ में स्पिरिचुअलिटी कितना इम्पोर्टेंट? स्पिरिचुअलिटी इज इम्पोर्टेंट हर एक की लाइफ में, आप एक्टर हो या इंजीनियर हो या डॉक्टर हो। आई जस्ट थिंक फॉर एग्जिस्टेंस, फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस, स्पिरिचुअलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। और रही बात एक्साइटमेंट की, वो दुर्गा पूजा, वो आप मुझे हर साल यहाँ देखते हैं, और काम होता है, लेकिन कुछ ना कुछ करके छुट्टी भी मिल जाती है, तीनों दिन हम यहाँ पे होते हैं। सो दिस एक्साइटमेंट, शी डज इट। एंड माँ दुर्गा के लिए मतलब एनीथिंग, 3 डेज, खाना पीना, साड़ी सवचना, यू नो, साड़ी पहनना,
सजना, सबसे मिलना. And you know, भोग के लिए कितने excited हैं आप? I think भोग मैं ये तीन दिन कोई डाइट नहीं होता. हम सब कुछ खाते हैं, चाट भी खाते, रोल भी खाते, राइस भी खाते, मिठाई भी खाते, सब खाते. देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन डाइट. 3 डेज ऑफ फुल फूड. थैंक यू सो मच. फ्यू सेकंड्स. Any one miracle in your life? Usually believe, you know, Ashtami ke din Mata actually bolti hai, she speaks. So I wouldn't be able to point out because I think इतना सब कुछ हुआ है, इट हैज टू हैज हैपेंड विथ हर ब्लेसिंग. तो मुझे एक कुछ एक अगर मिरेकल नहीं, आई मीन ऐसे बहुत कुछ हुआ है जो इनकी ब्लेसिंग्स की वजह से हुआ है एंड द स्ट्रेंथ दैट शी हैज गिवन. सो थैंक यू जी. किधर गया देवीदास की? वाइट हो गई. अयान अयान देवीदास की हो गई. अयान अयान की बाकी है, देवो की हो कब दे दिया? तुम भागो जल्दी, भागो, कॉपी कराओ, भागो 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 भागो. अयान जी प्लीज. अयान जी बैठो. श्वेता ओके, क्या पूछेंगे आप? हम तो हर साल आपको यहाँ पर देखते हैं. एक डायरेक्टर बात करें, अगर एक डायरेक्टर की लाइफ में स्पिरिचुअलिटी कितना इम्पोर्टेंट लगती है, हम आपकी पूरी फैमिली को देखते हैं हर साल यहाँ पे, बहुत ही स्पिरिचुअल है. मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. यू नो आई मीन आपने देखा है एवरी ईयर मैं इधर हूँ. मैं मतलब इतना इम्पोर्टेंट है मेरे लिए कि मैं यू नो शायद जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें होते हैं हम बहुत आसानी से एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते. सो बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए. लिटरली जब से मैं पैदा हुआ हूँ ये चलता आया है मेरे लाइफ में, मेरे फैमिली के लाइफ में. सो या दिस डेज आर वेरी स्पेशल. ऑफकोर्स अभी मैंने खाया नहीं है, मैं अभी खाऊंगा और मैं यू नो एंड में खाऊंगा बस फैमिली के साथ. जब सब गेस्ट जो भी आए हैं दर्शन करने के लिए जब उनका हो गया होगा देन वी विल ईट. बट इट्स वेरी गुड या आई मीन यू नो आप लोग भी सब अभी आए हैं. आई फील कि आप लोग को मैं इनको यही कह रहा था ये बंद करके थोड़ा भोग का के यू नो इंटरव्यू के बाद हम सभी भोग पे जाने. ग्रेट. एक सवाल है, you know, जी ब्रह्मास्त्र का इंतजार हर किसी को है. जी बिल्कुल. अगर आप ever since you know you have announced it's around the corner, जी, everywhere buzzing. जी. Please give any tip off to your fans. No, I'll tell you what happened actually. To be honest, हम लोग ने ब्रह्मास्त्र का लोगो लॉन्च किया था और उसकी रिलीज डेट भी अनाउंस की थी मार्च के महीने में. उसके बाद क्या हुआ क्योंकि हमारी फिल्म यू नो जब आप देखेंगे तो शायद ज़्यादा समझ में आएगा बट द फिल्म इज इट्स अ वेरी वेरी बिग स्केल फिल्म एंड देयर इज लॉट ऑफ विजुअल इफेक्ट्स इन द फिल्म. बहुत टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है टू मेक द फिल्म एंड वी अंडरस्टूड दैट टू मेक द फिल्म करेक्टली हमें और वक्त की ज़रूरत थी. सो अभी हमारा गोल है कि हमें एक्चुअली तभी समझ में आ गया था कि फिल्म को ठीक तरह से बनाने के लिए हमें ज़्यादा वक्त चाहिए था. सो नाउ आर नेक्स्ट गोल इज समवेयर मिडिल ऑफ नेक्स्ट ईयर कि फिल्म ढंग से तैयार हो जाएगी और रिलीज हो सकती है. लेकिन हम अभी ये कह रहे नहीं हैं क्योंकि कह के वापस चेंज करना शायद यू नो इट विल नॉट बी गुड. सो वी आर एमिंग फॉर नेक्स्ट ईयर एंड व्हेन वी आर वेरी श्योर देन वी विल अनाउंस द रिलीज डेट. यू नो फिल्म की शूटिंग तो कंप्लीट हो चुकी है. फिल्म की शूटिंग एक्चुअली कंप्लीट नहीं हुई, कुछ कुछ दिन बचे हैं. यू नो मिस्टर बच्चन हैं, आलिया जी हैं, तो कैसा रहा होल एक्सपीरियंस मिस्टर अमिताभ बच्चन का? वो भी अपना कुछ इनपुट आउटपुट देते रहते हैं. देखिए मेरे लिए ऑफ कोर्स आई मीन मैं इन सब के बारे में मिस्टर बच्चन एक इक्वेशन है, रणबीर, आलिया, फिर जिस किस्म की फिल्म है मतलब मेरे लिए मैं ये कह सकता हूँ कि ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी इस तरह की फिल्म बनाने की. आई ऑनेस्टली डोंट फील कि इसके बाद भी मेरे को ऐसा मौका मिलेगा लाइफ में. मैं ये इंटरव्यू में कुछ कह नहीं सकता हूँ इसके बारे में क्योंकि ये इस स्पिरिचुअलिटी की तरह इतनी बड़ी बात है यू नो जो मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली है ये फिल्म बनाने के लिए. हाँ या इनका एक सवाल है मेरा कि बारे में ये पूछते हैं. सो यू नो वी हैव ऑलवेज सीन, वी हैव ऑलवेज ऑब्जर्व दैट यू नो अष्टमी के दिन माता बो
बोलती हैं, आंखों से बोलती हैं, आपके लाइफ में ऐसा कुछ मिरेकल हुआ दैट यू हैव फेल्ट इनसाइड आउट दैट दिस इज होल एंड सोल ड्यू टू मिरेकल ऑफ माता? यू नो ऑनेस्टली श्वेता, राइट, ये जो आप मिरेकल की बात कर रहे हो ना, आई फील इट अ लॉट. मतलब आई फील इट ड्यूरिंग द पूजा ओनली. आई विल प्रोबेबली फील इट टू और थ्री टाइम्स. कुछ ऐसे स्पेसिफिक हादसा मेरे माइंड पे नहीं आता है, बट आई फील इट अ लॉट. आई फील दैट मिरेकल्स आर एवरीवेयर, एंड ऑफन आई फील दैट यू नो इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में देर आर सम फोर्सेज दैट कीप टचिंग योर लाइफ एंड गुड थिंग्स हैपन बिकॉज ऑफ इट. सो या आई डोंट वांट टू से अ पर्टिकुलर इंस्टेंस. आई वांट टू से कि आई फील इट अ लॉट. You know this feeling. You feel the energy. I feel the energy a lot. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Please eat bhog, really. Ji. Ha. Thank you. Come on. Thank you. Paro lots to eat bhog. Chalo. Thank you.